आज मैं बना रही हूँ बिना ब्रेड के सैंडविच। इन्हें खाने के बाद आप ब्रेड वाले सैंडविच भूल जाएंगे। मूंग दाल को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। अब डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियाँ और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया। अब पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार हुआ है। इसे डालेंगे एक बाउल में और इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए एक चम्मच बेसन, कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिलाएंगे और साइड में रख देंगे। अब कुछ कटी हुई सब्जियां ली है, तीनों तरह की, शिमला मिर्च है, टमाटर, प्याज, खीरा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक लिया है इसमें। इसे रखेंगे हम साइड में और तवे पर डालेंगे तेल। तेल में डालेंगे करी पत्ता, थोड़ी सी राई और बैटर को फैला देंगे। लगभग ब्रेड के आकार का ही मैंने साइज का ही बैटर के चीले तैयार किए हैं। अब तैयार सब्जियां ऊपर करेंगे कद्दूकस पनीर, थोड़ा सा काली मिर्च, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल करके। दूसरा चिल्ला इसके ऊपर रख दिया है मैंने और थोड़ा दबा दिया है साइड से ताकि बिखरे नहीं और हल्का सा इसमें चिपक जाए। इसे अच्छे से हम उलट पुलट कर सेक लेंगे और परोसेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सैंडविच बने हैं। तो ये सैंडविच खाने में तो स्वादिष्ट है ही, सेहत से भी भरपूर है। बनाइए, खाइए और खिलाइए। आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।